मतलब सुना है कि गाने वाने शूट करते टाइम कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। अच्छा, क्या हुआ था वो, उसका पता है आपको? कोई को ना छेड़छाड़ के बारे में बता दे उसको, छेड़छाड़ कर दिया था हाँ। ममता कुलकर्णी के साथ ऐसा कुछ ना। तो फाइनली गाइज, अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपने फिल्म के अंदर एक गाना देखा होगा जिसमें राखी गुलजार और जॉनी लीवर और उसके साथ होते हैं शाहरुख खान और सलमान खान और हीरोइन होती हैं ममता कुलकर्णी जी। तो एक गाना रहता है करण अर्जुन फिल्म के अंदर और उसके बोल रहते हैं आजा आजा भंगड़ा पाले। तो वो गाना इसी जगह पे शूट हुआ था। ये आप सब पूरा जिधर जिधर तक आपकी नज़र जा रही ना, ये सब झाड़ियाँ झाड़ियाँ दिख रही ना, ये पहले क्या था, जब यहाँ पे गाने की शूटिंग हुई थी तो पूरा का पूरा एकदम बहुत अच्छा गार्डन टाइप में बनाया गया था और शायद था उस टाइम या फिर बनाया गया था गाने के ही लिए, ऐसा तो अब वही लोग जान सकते हैं जो यहाँ पे एक्टर्स लोग जो शूट करने के लिए आए थे। लेकिन अगर आज देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कांटे वाले जो पेड़ होते हैं ना पूरे का पूरे उग चुके हैं। और अभी हम इस जगह पहुँचे और ये जगह है राजस्थान राज्य के जयपुर ज़िले से तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है। इसका नाम है भीलवाड़ी। और यहाँ पे आप पीछे ये देख रहे होंगे ना हमारे, वो ये चक्की जैसी दिख रही है ना, ये वही पवन चक्की है जो फिल्म के अंदर दिखाई जाती है जब अर्जुन यानी कि शाहरुख खान पुनर्जन्म के बाद आते हैं तो यही चक्की दिखाई जाती है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं बैक कैमरे पर और यहाँ का पहले आपको अच्छे से नज़ारा दिखाते हैं और उसके बाद में स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाएंगे कि गाने के सीन किस एंगल से लिए गए हैं। तो दोस्तों देखेंगे अगर इस साइड तो ये वही पवन चक्की है जो फिल्म के अंदर दिखाई जाती है, लेकिन अभी क्या है रुकी हुई है, आप देख सकते हैं चल नहीं रही है। और ये वो पहाड़ है जो गाने के अंदर दिखाया जाता है। और इधर देखेंगे तो पूरा का पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये टावर शायद नए बन गए हैं, लेकिन जो ये खंभे का पुल देख रहे हैं ना आप, ये वाला ये खंभे का पुल, ये वही पुल है जो पहले गाने के अंदर दिखाया गया था। और इधर देखेंगे तो घर बने हैं, जो भीलवाड़ी गांव है उनमें जो रहते हैं उन लोगों के घर बने हैं। और इधर ये रास्ता है आप देख सकते हैं बाहर जाने का गांव से, और इधर सामने एक बरगद का पेड़ है। तो अभी हम गाने के जितने भी सीन हैं वो दिखा देते हैं आपको फटाफट स्क्रीनशॉट के माध्यम से, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है और अभी समय हो रहा है 2 बजे दिन के, तो काफ़ी तेज़ धूप है दोस्तों। आप देख सकते हैं पवन चक्की जो है शांत इस टाइम है, क्योंकि हवा का रुख जो है ना दूसरी तरफ है और अभी ये दूसरी तरफ है। अभी देखो थोड़ी थोड़ी चल रही है, देख सकते हैं ना आप, थोड़ी थोड़ी चल रही है ये, और ये भी गाने में दिखाई जाती है। दोस्तों गाने का एक सीन इधर से लिया जाता है, जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं ना ये आप स्क्रीन शॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, जहाँ पे सलमान खान और शाहरुख खान जी डांस करते रहते हैं तो इस पहाड़ का नज़ारा आता है। स्क्रीन शॉट में आप प्रॉपर अच्छे से मैच कर सकते हैं। तो वो लोग इसी जगह पे डांस करते हैं, जो ये खाली स्थान पड़ा हुआ है इसी जगह पे वो लोग डांस करते रहते हैं। और उसके बाद में कैमरा एंगल करके इधर से सीन लिया जाता है जहाँ पर ममता कुलकर्णी भी साथ में डांस करती रहती हैं, तो इस पवन चक्की का सीन आता है। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से मैच करके, जो यहाँ पे घर हैं वो भी स्क्रीनशॉट में आते हैं और ये जो चक्की है ना वो भी स्क्रीनशॉट में आ रही होगी, आप मैच करके देख सकते हैं। तो वो लोग इसी जगह पे डांस करते रहते हैं गाने के अंदर। एक सीन इधर से लिया जाता है कैमरा एंगल करके, जहाँ पर क्या होता है जॉनी लीवर जी डांस करते रहते हैं ममता कुलकर्णी के साथ, और डांस करने वाले बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भी डांस करते रहते हैं। जो ये आपको 3 टावर दिख रहे हैं ये टावर नहीं होते हैं, और क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खाली स्थान होता है, बहुत बढ़िया पार्क जैसा दिखता है और चारों तरफ सब डांस करते रहते हैं और डांस करने वाले। तो इधर ही का सीन रहता है, आप स्क्रीन शॉट में मैच करके देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का नज़ारा होता है जब गाना शूट होता रहता है। और ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बन चुकी है, लेकिन उस टाइम ये नहीं थी, अभी ये नई बनाई गई है, आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से मैच करके, तो इसी जगह का नज़ारा होता है। दोस्तों गाने का एक सीन इधर से लिया जाता है, जो आप ये सामने पेड़ देख रहे हैं ना ये पेड़ दिखाई देता है, और जो ये खंभे का पुल है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में। तो इधर से ही लिया जाता है एक सीन जहाँ पे सलमान खान डांस करते रहते हैं, आप स्क्रीनशॉट में अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। और एक सीन कुछ इस प्रकार लिया जाता है नीचे से, वो भी आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, जिसमें ये खंभे का पुल दिखाई दिया देता है जहाँ पे सलमान खान डांस करते रहते हैं। तो जितने भी सीन थे इसी जगह के लिए थे। अभी ये भैया आ रहे हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं, तो शायद इनको अगर थोड़ी सी जानकारी होगी तो ज़रूर बताएंगे। भैया ये वही जगह है जहाँ पे भंगड़ा पाले गाना शूट हुआ था, जहाँ पे करण अर्जुन और राखी गुलजार और ये सारे एक्टर्स आते हैं गाना यहीं पे शूट हुआ था, ये वही जगह है, वो वाली जगह है, इस जगह पे भी डांस करते हैं? हाँ, इस जगह पे भी। ये मतलब सुना है कि गाने वाने शूट करते टाइम कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। अच्छा, क्या हुआ था वो, उसका पता है आपको?
कोई को ना छेड़छाड़ के बारे में बता दी उसको, छेड़छाड़ कर दिया था हाँ। ममता कुलकर्णी के साथ ऐसा कुछ ना। अच्छा अच्छा याद है कि ब्यू जी बट्टे हैं, गणेश जी के हैं हाँ। ये फिर याद ने माला खड़ा है हाँ हाँ, इसका ऐसे पहले स्टार्ट यहाँ से हुई थी, यहीं से स्टार्ट हुई थी हाँ। तो भैया बता रहे हैं जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तो यही गांव से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब शायद 70% यही पे फिल्म शूट हुई है ना। फर्स्ट फिल्म यही बनी थी, फिर बाद में धीरे 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 आगे बढ़ी थी। अच्छा फर्स्ट फिल्म यही पे बनी थी, उसके बाद एक पिक्चर बनी थी। अच्छा कौन सी? हॉस्पिटल नहीं था अकेले। अच्छा हाँ, तो भैया बता रहे हैं कह रहे गाना इसी जगह पे शूट हुआ। धन्यवाद भैया। और एक सीन इधर से ले आता है जहाँ पे वो पीछे के जो मकान आप देख रहे हैं ना, वो आप स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। ये वही मकान है जो फिल्म के अंदर जो गाना चलता रहता है उसके अंदर दिखाए जाते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। और एक और मकान दिखाया जाता है, वो हम आपको दिखाते हैं। और एक और सीन कुछ इस प्रकार से ले आता है, जो सामने के पीछे के पेड़ है ना, वो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे तब वो सीन लिया गया था। तो वो इसी तरफ का सीन रहता है, देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से मैच करके। पूरा का पूरा दोस्तों गाना इसी के अंदर शूट हुआ था।